समझ ही नहीं आती थी सेम सेम बट डिफरेंट, लेकिन आज तुझे देख के पता चल ही गया। दी, मिष्टि ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। अब मेन्यू एंड इम्प्रूव मिष्टि ने। मिष्टि 2.0, पहले से ज्यादा सफेद, ज्यादा झाग वाला। I missed you so much, मिष्टि। I missed you too। और घर पर भी सबने तुझे इतना मिस किया ना। दादू और दादी तो हमेशा तेरे बारे में बातें करते ही रहते थे। इनफैक्ट जसमीत चाची तो मुझे कॉल करके कहती थी यार अब मुंह बोली नहीं है तो मुझे ताने मारने में मजा ही नहीं आता। बट सीरियसली आई डिडंट नो कि तू जाएगी और 2 महीने तक वहीं रुक जाएगी। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था दी। ओके 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 फाइन, पर अब तेरा टाइम आउट खत्म हो चुका है। बड़ी माँ और बड़े पापा को तो पता नहीं चला ना। तूने हमारी हैशटैग की बच्ची को बताया था ना, तो अब तक सबको पता चल चुका होता, लेकिन तूने मुझे बताया है इसीलिए अभी तक सभी मिष्टि नहीं आ रही, यही सॉन्ग गा रहे तो फिर एवरीथिंग्स ऑसम। Absolutely. लेकिन अब हमें पूरे 2 घंटे तक कहीं टाइम पास करना होगा। आई मीन सरप्राइज रेडी होने तक मैं तुझे घर थोड़ी ना ले जा सकती हूँ। Point. तो चले चल। ए, एक एक सेकंड, तेरा चश्मा कहाँ है? तू कहीं भूल कर आ गई? बैग में है चक्कर? दी, बस यूं समझ लो कि मैं चश्मा कहीं रख के भूल गई। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी नजर में नजरिया बदलने की जरूरत है, और चश्मे मेरे मिष्टि 2.0 के नजरिए को ब्लॉक कर रहे थे। So, इसलिए अब से बाय-बाय स्पेक्स। मुझे भी ऐसा लगता है कुणाल, अगर कुहू एक अपनी रिक्वेस्ट करेगी ना तो वो मान जाएगा, इसकी बात नहीं टालेगा। चट लगा ले। हाँ, मुझे लगता है कि अभी मान जाएगा। तो फिर आप सब शर्त हारने के लिए रेडी हो जाए। नो, कोई शर्त वर्त नहीं होगी। अगर अबीर ब्रो लिखना नहीं चाहते तो ठीक है ना, वी कैन फोर्स हिम। अरे कुहू, शर्त तो कुणाल से लग रही है ना, वो लगने दे। और अबीर भाई मान गए तो जो तू बोले, और अगर अबीर भाई नहीं माने तो? नहीं माने ना तो कुहू तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। बस यस। नो नो, चल बोल बोल, डन बोल। हाँ, डन डन डन। क्या डन भाई? हे ब्रो, हम नेहा और कबीर के फेरे डिस्कस कर रहे थे। हमें ना उनकी शादी की रस्मों में कुछ कमी लग रही है। हम चाहते हैं कि दुल्हन अपने होने वाले पति के लिए कुछ खास लिखे, कुछ खास कहे। गुड आइडिया। सेम टू सेम। तो एक काम करना, उन दोनों की शादी के लिए कोई अच्छी सी शायरी लिख के देना। कुहू, तू जिस ट्रेन पे चढ़ने की बात कर रही थी उस पे चढ़ जा। अबीर ब्रो प्लीज लिख दीजिए। तू एक विनर है, तुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मेरी शायरी की तो बिल्कुल भी नहीं। याद है जो हमने डांस वीडियो बनाया था, उसे 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। पर डांस का आइडिया तो आपका था ना। मैं तो, लेकिन किया तो वही था ना जो तूने प्लान किया था। इस शादी की हर चीज, सारी डेकोरेशन, सारे कलर्स, हर एक चीज पे तेरी छाप है। इन शॉर्ट कूलनेस। तो तुझे किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, यू आर अ विनर। नानको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, फिर हम चलते हैं। ओके? पर भाई, देखा, हार गए ना आप सब शर्त। मैंने कहा था ना वो अब शायरी नहीं लिखते और लिखेंगे भी नहीं। मेरे भाई को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है ठीक है, आज रात को खूब खुद अपने हाथों से तुझे खाना खिलाएगी। नहीं, रहने देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स फाइन, इट्स ओके। कैसे इट्स ओके?
इट्स नॉट ओके। अगर हम शर्त जीतते तो हम जो कहते वो आपको करना पड़ता ना। अब हम हार गए तो भी हम शर्त पूरी करेंगे। नाउ इट्स ओके। पानी पूरी नहीं दी, अभी मन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता नन्नू कैसा है और लंदन कैसा रहा। शुरू शुरू में बहुत टफ था दी, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि बड़े पापा का डिसीजन बिल्कुल सही था। एब्सोल्युटली, दादू इज द बेस्ट। और आज उनकी एनिवर्सरी है। ओह, मुझे तेरी एंट्री के लिए परफेक्ट चीज मिली है। क्या? भाई, आज कोई तो किसी को अपने हाथों से नूडल्स खिलाने वाला है। अच्छा, तो अंदर से बाहर आने तक नूडल्स बन भी गए। 2 मिनट में तैयार। मैं कोई नूडल्स नहीं खाने वाला, मैं कीटो डाइट पे हूँ। अरे तो ज़ुकीनी नूडल्स खा लेना यार। और वैसे भी जब कुहू अपने हाथों से खिलाएगी तो तू मना नहीं कर पाएगा। कोई किसी को अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाने वाला। आज वैसे भी उसके दादा दादी की एनिवर्सरी है तो वो अपने घर जा रही है। तू नहीं जा रहा क्या? हाँ, मैं भी जाऊंगा बट काम की बात। पता है तूने अपने डिवोर्स के पेपर वापस लेके लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया। अब तुझे भी समझ में आ गया ना कि कुहू तेरे लिए बेस्ट है। आई मीन तू खुश तो है ना? हाँ, मेरी छोड़िए, आप बताओ आप खुश हो ना? तू मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो चलते हैं। चलो दी, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पानी पूरी तो तूने खाई नहीं, अब बता क्या खाएगी? मेरी फेवरेट खिचड़ी। हाँ, मुझे खिचड़ी खानी है। और मिष्टी, तू और तेरी खिचड़ी। अब यहाँ कहाँ मिलेगी खिचड़ी तुझे? कहाँ मिलेगी? आप तो टाइम पे रेडी हो जाएगी, लेकिन ये पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीईओ बहुत अमेजिंग काम कर चुका है, हमें इसकी हेल्प की जरूरत है। बाय द वे, वो एड की मॉडल्स वो भी आज में हो जाएंगी। अरे, मॉडल्स के नाम पे इतना खुश हो रहा है? अरे मॉडल सैम हार्ड में, मैं तो बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मजा आ रहा है। सेम हियर। आज लंच साथ में करें, घर का खाना ऑफिस में। नानको, बहुत भूख लग रही। मैंने एक जगह खिचड़ी ऑर्डर की है, तू भी कुछ ऑर्डर कर लेना, साथ में वहीं पे बात करते हैं। खिचड़ी और मेरे लिए वॉफल्स। दी, ये फिरंगी खाना खा खा के मैं तो बोर हो गई थी। वहां सच कहूँ तो मेरी फेवरेट तो बड़ी माँ के हाथ की खिचड़ी है, लेकिन मैं उनका सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहती तो आज यही खा लेती। ओके, तू तेरी खिचड़ी खा, मैं अपने वॉफल्स खाऊंगी। नानको, रिलैक्स। सॉरी, आपका टेबल है? नहीं नहीं, इट्स ओके, आप बैठिए। इट्स फाइन, हम वहां बैठ जाते हैं। कम, इट्स ओके। नाइस। हेलो सर, आपके लिए खिचड़ी। एग्जैक्टली, मेरे लिए कॉफी विद आलमंड मिल्क। थैंक यू। कीटो, तू तो सच में कुहू के रंग में रंगता जा रहा है। मतलब उसकी डाइट भी फॉलो करने लग गया। सॉरी मैम, खिचड़ी तो एक ही थी, वो एंट्री वाले टेबल को मिल गई। वहाँ है कौन? एक सेकंड, जब हम आए थे तब वो टेबल खाली थी। इसका मतलब वो लोग जो भी हमारे बाद ही आए हैं, तो टेक्निकली खिचड़ी हमें मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। जी मैम, लेकिन कुछ नहीं, पहला ऑर्डर मैंने दिया है तो खिचड़ी पहले मुझे ही चाहिए। वैसे एक बात तो है कोशलू, अबीर के ऑफिस आने से सब कुछ कितना बदल गया है ना? और नहीं तो क्या, देखिए ना, मुझे लैपटॉप चलाना भी आ गया। एक्चुअली अबीर जब साथ होता ना तो हर चीज में बहुत मजा आने लगता है।
कम इन। मैडम जी आपका लंच। इट्स ओके, थैंक यू। मीनू बहन ये सब तो होता ही रहेगा, चलिए खाना खाते हैं। सॉरी कुशलो, एक्चुअली मैं और अबीर एक साथ खाना खाएंगे। सो अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मीनू बहन, आपके और अबीर के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी उसका तो अब नामो निशान भी नजर नहीं आता। मीनू बहन एक काम करते हैं, आप अबीर का वेट कीजिए, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा। कुशलो मैं और अबीर। यस यस, मैं कह रहा था मैं खाना खा लूं। ठीक ठीक। मैं जानती हूं अबीर, अभी भी तुम मुझसे नाराज हो। हम दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए हैं, पर मैं ये भी जानती हूं कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मिष्टी को भूलने लगोगे। पर काश कि तुमने मेरी पहले बात मान ली होती तो मुझे कुणाल को बीच में नहीं लाना पड़ता। अभी जैसे आते हैं उन्हें मेरी कैबिन में भेज दीजिएगा। थैंक यू। कहिए। इनबा अबीर का फोन आया था, उसने कहा है उसकी और कुणाल की मीटिंग लंबी चलेगी तो वो खाने के समय ऑफिस नहीं आ पाएगा। रखती हूँ फोन। अबीर तुम सिद्धी हो तो मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अभी तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए किया है और यही मेरी जीत है। देखना एक दिन अबीर तुम्हें भी मानना ही होगा। तुम अपनी माँ से प्यार करते हो। मैम एक्चुअली आप लोग यहाँ पहले आ गए थे, ये बात सही है, पर उनका ऑर्डर आपसे पहले आ गया था। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा भी तो बना सकते हैं ना। मैम उनका उन्होंने फोन पे ऑर्डर दे दिया था तो हमने रेडी कर दिया था। मैम सॉरी, इसको पता नहीं था। मिष्टी बैठ जाना, अब देख इसमें इनकी क्या गलती है। लिसन इट्स ओके, जस्ट चिल, इट्स ओके, चेक इट, इट्स ओके। आप लोग कुछ भी ऑर्डर करें मैम, हमारी तरफ से जो भी आप ऑर्डर करना चाहें। ठीक है, हम सोच के बताते हैं। थैंक यू मैम। सर ये आपकी खिचड़ी। ग्रेट भाई, मैं आता हूँ। हाँ दी, पीछे देख के बताओ ना उस टेबल पे क्या हो रहा है। अब ओहो हो, वो वेटर तेरी खिचड़ी उन्हें दे रहा है। के पीछे पागल है और दूसरियां खिचड़ी के पीछे। अरे बाबू उन्हें आराम से खाने देना। देख अब तू क्या वहां जाकर खिचड़ी के ऊपर फाइट करेगी। इट्स ओके, जस्ट चिल। पी दी, वो आदमी मुझसे मेरी खुशियां छीन रहा है और आप कह रहे कि मैं जाने दूं। ले वो देख, वो आदमी तेरी खुशियां वहीं उस टेबल पर छोड़कर चला गया। मैं अभी आई। अरे मिष्टी, अरे क्या कर रही है तू मिष्टी। भैया वो लोग जो उस टेबल पे बैठे थे वो कहाँ गए? उनका फोन आया था तो वो बाहर चले गए बात करने। ठीक है थैंक्स। We'll be right back.
मिष्टी 2.0, तेरी इस खिचड़ी के चक्कर में ना मेरे वो ऑफिस भी चले जाएंगे। गॉड मिष्टी, चलो खाते हैं। ऑल गुड भाई, आपकी खिचड़ी आधी है। एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये मैनेजमेंट है आपकी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, हमारा खाना कोई ले गया। सॉरी सर, पता नहीं कैसे। सर आप लोग प्लीज बैठिए, कुछ और ऑर्डर दे दीजिए। नो इट्स ओके, जो है आप पार्सल करवा दीजिए। श्योर सर। वेटर, ये खिचड़ी पार्सल कर दो सर के लिए। ओके सर। सॉरी सर। सॉरी, पर इस पे मेरा हक था और मैंने अपना हक छोड़ना बंद कर दिया। खिचड़ी चोर। 1, 2, 3, ओपन योर आईज। हाय रब्बा। अरे वाह बड़बोली, तूने तो पूरे घर की जय माता दी कर दी। अरे सुबह तो लग रहा था जैसे किसी बच्चे की बर्थडे की पार्टी की तैयारियां चल रही, लेकिन तेरे आते ही सब टिप टॉप लगने लग गया। थैंक यू। मेरी बच्ची, भगवान करे तेरा काम खूब चले, तू दुनिया की बेस्ट वेडिंग प्लानर बने। ये अनन्या दी, हैशटैग अपनी एब्सेंट क्यों लगा रही है? ओहो, वो भी प्रेजेंट है, बस वो क्या है ना कि ताया ताई जी के लिए गिफ्ट लेने बाहर गई है, आती होगी। ओ, तो फिर चलो इसी बात में सेल्फी हो जाए। कुणाल कब आ रहे हैं? अब वो क्यों आएगा मामा, वैसे भी हमने उनकी फैमिली को तो इनवाइट नहीं किया ना। ओहो कुहू, कैसे बुलाते और फोन करके क्या कहते कि मीनाक्षी जी, हम आपके और आपके बड़े बेटे अभी की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन हाँ आप कुणाल को, नानू को वगैरह वगैरह सबको ना भेज दो, ऐसा कहते उन्हें। ओहो, तू जानती है ना माँ बाप जी मीनाक्षी जी और अभीर से कितने नाराज है। आई नो माँ, आई एम सॉरी। 1 month की बात है मामा, फिर आप सब उस पूरी फैमिली से नाराज हो जाएंगे। ओहो, ओहो, कुणाल सिर्फ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने उसकी माँ को इनवाइट नहीं किया। ओबवियो चाची। ओहो, तो झूठ क्यों बोल रही? झूठ? हाँ, कुणाल का फोन आया था ऑफिस से, वो कह रहा था कि उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन वो आएगा जरूर, और वैसे भी तुम दोनों का एक दूसरे के बिना मन कहाँ लगता है। ओहो, ओहो, यार तू कितनी लकी है ना, तुझे कुणाल जैसा हस्बैंड मिला है। बिल्कुल सही कहा जसमीत, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा दामाद मिला है, इससे ज्यादा मैं भगवान से और क्या मांगूंगी। हाय रब्बा, वर्षा भाभी, भगवान से याद आया कि वो ताया ताई जी मंदिर से घर आने ही वाले होंगे। ओहो, तुझे क्या हुआ? अब कुछ भी तो नहीं माँ। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? हाँ पर बोली बोलना बंद कर दे, इसका मतलब कुछ तो हुआ, बताना। नथिंग चाची, मैं बस ये सोच रही थी कि कुछ मिसिंग तो नहीं है। ऑफ कोर्स है। अनन्या दी, लो मां आ गई आपकी दूसरी बेटी। हैशटैग की बच्ची, अब मुझे बता दादू और दादी कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है, मैंने शौर्य भैया को काम सौंपा है कि पूरा दिन उन्हें घर से बाहर रखे। फैबुलस। अब आप बताओ क्या मिसिंग है, क्या कमी है? कमी थी, अब पूरी हो गई। कैसे? आंटी वो सब बाद में, पहले हमें आज की पार्टी सेटअप करनी है। सेटअप करनी है? सब ऑलरेडी सेट है, तू आते मेरी चॉप कराएगी क्या? देख आज शाम पार्टी है और पार्टी की थीम है रेड एंड पीच। अरे हाँ, सब कुछ तो रेडी है। क्या बात है कुहू, गुड जॉब। हैशटैग कुहू ने एग्जैक्ट। अच्छा चल, अब बता क्या कमी है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।